बेटे के मौत के बाद आंसू रुकने को नहीं है तैयार सचिन तेंदुलकर का। तो दोस्तों आखिर क्या हो गया सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को, बताएंगे हम आपको पूरे खबर की जानकारी, वो भी पूरे डिटेल के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बिना समय लेते हुए ये वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं क्रिकेट जगत के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जो कि अपने क्रिकेट की दुनिया में खूब ज़्यादा मशहूर है, और दोस्तों सचिन तेंदुलकर जो कि उनके साथ एक ऐसी दुख भरी घटना घट गई है, जो घटना हम आपको बता देना चाहते हैं कि सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर जो कि उनके साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया। वो हादसा इस प्रकार है कि सचिन तेंदुलकर के बेटे जो कि अर्जुन तेंदुलकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी अटेंड करके घर वापस आ रहे थे, तभी उनका कार जो कि ब्रेक फेल होने की वजह से फ्लाई ओवर से नीचे चला गया और दोस्तों उन्हें ब्रेन में खूब ज़्यादा चोट लग गया। इस हादसे से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों वह हादसे में डॉक्टरों का साफ साफ कहना है कि इनका एहसास भी वापस नहीं आ सकता है। और दोस्तों खबर सुनते ही सचिन तेंदुलकर बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गए, और दोस्तों यही सब खबर सुनकर पूरा क्रिकेट जगत में भी मातम का माहौल छा गया है कि इस तरह से जो क्रिकेट जगत के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर के साथ अचानक घटना कहीं ना कहीं एक क्रिकेट की दुनिया में एक आशंका की बात है। लेकिन दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर जो कि बहुत ही जल्द ठीक होकर अपनी लाइफ में खूब ज़्यादा मस्ती करते हुए नज़र आएंगे या फिर बस ऐसे ही? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों।